दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार यह मूवी आपको कहां और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो कि बताया जाता है कि संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है कि संजय दत्त जो कि फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा तो अब हम आखिरी में बात करते हैं कि आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फिर फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रुपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपये की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करे की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी एम डी बी रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको कहां और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ पे आई शन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पर जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की की स्टोरी बात करें तो ये एक बायोग्राफी है जो की संजय दत्त के रियल इंसिडेंट ऊपर बनी हुई है है मूवी में आपको दिखाया जाता संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट इफी फ्लॉ फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के एम डी रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यू ट्यूब पर रिलीज दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को टी -टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो कि बताया जाता है कि संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है कि संजय दत्त जो कि फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों ऐसी कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो कि आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट वि फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफ करी है मूवी की आईम डी रेटिंग जाने तो वो भी 10 में से 8 है और 90 परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर ऐसी मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजली हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस इसमें इतना ही हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बात के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी फिर फ्लॉ फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई डी रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें की सभी लोगों की जो इस मूवी को टी, -टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नाम पसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए तो अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिटीआई फ्लॉ फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के एम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में YouTube पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को टी -टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी को कहा और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो कि बताया जाता है कि संजय दत्त के रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है कि संजय दत्त जो कि फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी की आईम डी भी रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक कि इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो 2018 में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई है फिर फ्लॉ फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी की आई डी रेटिंग जाने तो वो हो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो अभी के समय यह मूवी आपको बिजली हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो 2018 में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो कि आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट टू इट्लॉ फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा माल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह सौ करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजली हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो 2018 में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप ऐसी मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए तो अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई विफल फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह सौ करोड़ रूपये की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आईम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो 2018 में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप ऐसी मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर, फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपये की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के एम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं की मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूटूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको बिजली हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पर जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी के बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आईम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं की मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को टी -टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू कि अभी के समय यह मूवी आपको बिजली हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहिए की आखिर कहा यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो कि बताया जाता है कि संजय दत्त के रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है कि संजय दत्त जो कि फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फ्लॉ फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफ करी है मूवी के आईम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गुगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहां पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो 2018 में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप ऐसी मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम में बात करते हैं कि आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफ करी है मूवी के आईम भी रेटिंग जाने तो वो हो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पर जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो 2018 में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए तो अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आईम रेटिंग जाने तो वो हो भी दस में से आठ है और नब्बे गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें करे उन सभी लोगों की जो इस मूवी को टी -टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो कि बताया जाता है कि संजय दत्त दत्ती रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है कि संजय दत्त जो कि फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल आने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सो करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करे की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को इन्जॉय कीजिए अब बात करते हैं कि की मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी स्टोरी की बात करें तो ये एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है कि की संजय दत्त दत्ती रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फिर फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देख है सभी ने इसकी तारीफ करी है मूवी के आईम रेटिंग जाने तो वो हो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को टी -टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद करते सकता है दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए तो अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट विथ या फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आईम रेटिंग जाने तो वो भी दस में ऐसी आठ और नब्बे गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में YouTube पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी टेप हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो कि बताया जाता है कि संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है कि संजय दत्त जो कि फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फ्लॉ फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई रेटिंग जाने तो वो भी 10 में से 8 है और 90 परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके ऐसी यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे से बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये एक बायोग्राफी है जो कि बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है कि की संजय दत्त जो दत्की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फिर फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आईएमडीबी रेटिंग जाने तो वो हो भी 10 में से 8 है और 90 परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको बिजली हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहां जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आखिरकार यह मूवी आपको कहां और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई फिर फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आईम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो 2018 में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई वि फिर हम जानेंगे इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक तो इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस आरोप देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है कि की संजय दत्त दत्ती रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई या फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के एम रेटिंग जाने तो वो हो भी दस में से आठ है और नब्बे गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजली हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन को, को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है कि की संजय दत्त दत्ती रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए तो अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई या फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह सौ करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को टी -टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो कि बताया जाता है कि संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप ऐसी मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी की आईम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में YouTube पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें की उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की कास्ट बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए तो अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉ फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में YouTube पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिर खा यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करे की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे की है मूवी के आईम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर ऐसी इस मूवी को इन्जॉय कीजिए अब बात करते है की यह मूवी आपको और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो कि बताया जाता है है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी बात करते है आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई डी जाने तो वो हो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए तो अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फिर फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा सकते हैं तो दोस्तों तो संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आईम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं की यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को टी -टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो कि बताया जाता है कि संजय दत्त दत्ती रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है कि संजय दत्त जो कि फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए तो अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई इट्लॉप फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह सौ करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आईम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ और नब्बे गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो कि बताया जाता है कि संजय दत्त के रियल इंसिडेंट ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप ऐसी मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों ऐसी कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो कि आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी है फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आईएमडीबी रेटिंग जाने तो वो भी 10 में से 8 है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं की मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है कि की संजय दत्त दत्ती रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी बात करें तो इसमें आपको संजय रथ की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो कि आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफ करी है मूवी के आई रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं की मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जैसे मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को टी -टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहते की आखिर खा यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो कि बताया जाता है कि संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है कि संजय दत्त जो कि फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फिर फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह सौ करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आईम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि मूवी आपको और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहां पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन, किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट तो की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो कि बताया जाता है, है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं कि आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस हिट हुई विप फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो की अभी के समय यह मूवी आपको बिजली हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो 2018 में इसे रिलीज किया गया था मूवी की कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए तो अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों तो संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आईम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में YouTube पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में YouTube पर देखने को नहीं मिले लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके ऐसी यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को टी -टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू कि अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो कि बताया जाता है कि संजय दत्त दत्ती रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है कि संजय दत्त जो कि फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई इफ्लॉ फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सो करोड़ रुपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह सौ करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के एम डी बी रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को इन्जॉय कीजिए अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करके उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी के स्टोरी की बात करें तो ये एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे मूवी की आईम डी बी रेटिंग जाने तो वो हो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों को की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए तो अब हम आखिर में बात करते हैं कि आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी फिर फ्लॉ फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई डी भी रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहां और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को टी -टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी वहां पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो कि बताया जाता है कि संजय दत्त दत्ती रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है कि संजय दत्त जो कि फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके ऐसी यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहा लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल ऐसी बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है कि की संजय दत्त दत्ती रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को हुआ है जो कि आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं कि आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजू मूवी काफी अच्छी मूवी और तो जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करूवी की आईम डी रेटिंग जाने तो वो हो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को टी -टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद की और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है कि की संजय दत्त दत्ती रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थे फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो 2018 में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट में हिटिया फिर हम जानेंगे इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के एम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस आरोप को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप ऐसी मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई डी रेटिंग जाने तो वो हो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजली हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों ऐसी कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो कि आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं कि आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई है फिर फ्लॉ फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह सौ करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी करी है मूवी की आईम डी भी रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहां और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके ऐसी यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को टी -टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर मिल जाएगी वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो 2018 में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप ऐसी मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों ऐसी कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो कि आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस हिट हुई थी फिर फ्लॉ फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के एम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक तो इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में YouTube पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें की उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के यह मूवी आपको बिजनी हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार का की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस हिट हुई विप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के एम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में YouTube पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिर कहा यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी आदतों के कारण वह और परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपये का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपये की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आईम डी रेटिंग जाने तो वो भी दस में ऐसी आठ और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके ऐसी यूट्यूब रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को टी -टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजली हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो 2018 में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त के रियल इंसिडेंट के पर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप ऐसी मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रुपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के एम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं की यह मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें की उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजली हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहां पर जाकर इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी के बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई या फिर फ्लॉ फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी करी है मूवी के की रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा की नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिर कहा यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो यह एक बायोग्राफी है जो कि बताया जाता है कि संजय दत्त दत्ती रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है कि संजय दत्त जो कि फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई फ्लॉ फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आईमडी रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहां और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहां पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज इस के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप ऐसी मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं कि आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई भी रेटिंग जाने तो वो भी 10 में से 8 है और 90 परसेंट गूगल इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दोहरा 2018 में इसे रिलीज किया गया था मूवी की कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप ऐसी मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए तो अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई डी बी रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिले लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके ऐसी यूट्यूब रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को टी -टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो कि बताया जाता है कि संजय दत्त दत्ती रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है कि संजय दत्त जो कि फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सो करोड़ रुपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आईम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को इन्जॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें की उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखना में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देख है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई डी रेटिंग जाने तो वो हो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोग की जो इस मूवी को पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहां पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकता है दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा का नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए तो अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई डी रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में YouTube पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यू ट्यूब पर रिलीज दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को टी -टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी वहां पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ हाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो कि बताया जाता है कि संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है कि संजय दत्त जो कि फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं है, और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई डी रेटिंग जाने तो वो भी 10 में से 8 है और 90 परसेंट गूगल इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि मूवी आपको कहां और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल से बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष और साथ ही साथ ही अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो कि आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं कि आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी फिर फ्लॉ फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और तो जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई डी रेटिंग जाने तो वो हो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी एगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है कि की संजय दत्त दत्ती रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए तो अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फिर फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि की मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके ऐसी यूट्यूब आरोप रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो 2018 में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो कि फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट वि फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करे की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई रेटिंग जाने तो वो हो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह सौ करोड़ रूपये की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफ करी है मूवी के आईम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो 2018 में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त दत्ती रियल इंसिडेंट के ऊपर हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप ऐसी मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी है फिर फ्लॉ फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी की एम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के यह मूवी आपको बिजनी हट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के के अभिनेता बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो तो इसमें आपको संजय रथ की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के एम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ कि आखिर खा यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो यह एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फ्लॉ फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करे की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आईम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि मूवी आपको कहा और कैसे से देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजली हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आखिरकार यह मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो 2018 में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप ऐसी मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते है कि आखिरकार संजू मूवी मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी थी फिर फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस को आप कहां और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आईम जाने तो वो हो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहां पर जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है कि की संजय दत्त जो दत्की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आईम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यू पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करे उन सभी लोगों की जो इस मूवी को टी -टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आखिरकार यह मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो कि बताया जाता है कि संजय दत्त दत्ती रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है कि संजय दत्त जो कि फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई इॉ फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह सौ करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के एम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके ऐसी यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो 2018 में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आईएमडीबी रेटिंग जाने तो वो भी 10 में से 8 है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं की यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको बिजली हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पर जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है कि की संजय दत्त दत्ती रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करता है और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी के बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए तो अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आईम रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं की यह मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को टी -टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो अभी के समय यह मूवी आपको बिजली हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहिए की आखिर कहा यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो कि बताया जाता है कि संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है कि संजय दत्त जो कि फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं की आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फिर फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह सौ करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आमडी रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि मूवी आपको और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओटीटी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहां पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्रफी है जो कि बताया जाता है, है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम में बात करते हैं कि आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह सौ करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई डी रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे परसेंट गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने ऐसी पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो 2018 में इसे रिलीज किया गया था मूवी की कास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो की बताया जाता है की संजय दत्त की रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है की संजय दत्त जो की फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल पाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं और साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होते हैं और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए तो अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग 600 करोड़ रुपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आईम रेटिंग जाने तो वो हो भी दस में से आठ है और नब्बे गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा की अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिले लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें करे कि उन सभी लोगों की जो इस मूवी को टी -टी पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दो की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉट स्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप कमाल की मूवी संजू देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार यह मूवी आपको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट में थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी देखनी चाहिए उन्हें यह मूवी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद कर सकते हैं दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो दो में इसे रिलीज किया गया था मूवी की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें आपको रणवीर कपूर के साथ में विक्की कौशल सोनम कपूर परेश रावल जैसे बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक बायोग्राफी है जो कि बताया जाता है कि संजय दत्त दत्ती रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है मूवी में आपको दिखाया जाता है कि संजय दत्त जो कि फिल्मी जगत के अभिनेता के बेटे होते हैं और माँ बाप से मिली हुई विरासत को संभाल में काफी ज्यादा संघर्ष करता है साथ ही साथ अपनी बुरी आदतों के कारण वह और कितने परेशान होता है और वह इन चीजों से कैसे रिकवर करेंगे और बाद में कैसे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम करेंगे वही आपको इस बायोग्राफी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो संजू मूवी की बात करें तो इसमें आपको संजय दत्त की बायोग्राफी जो दिखाई गई है उसके अंदर काफी अच्छे से कॉमेडी और ड्रामा को भरा हुआ है जो की आपको इस मूवी को बांध के रखने में काफी ज्यादा सही भी साबित होगा चलिए अब हम आखिरी में बात करते हैं आखिरकार संजू मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई फिर फिर फ्लॉप हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों संजू मूवी की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग सो करोड़ रुपए का बड़ा खर्चा किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने लगभग छह सौ करोड़ रूपए की कमाई करी तो इससे आपको यह तो पता चल गया कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी साबित हुई लेकिन बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ की संजू मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी और जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है सभी ने इसकी तारीफे करी है मूवी के आई रेटिंग जाने तो वो भी दस में से आठ है और नब्बे गूगल यूजर इस मूवी को पसंद करते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए जरूर से इस मूवी को एंजॉय कीजिए अब बात करते हैं कि यह मूवी आपको कहा और कैसे देखने को मिलेगी तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय यह मूवी आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ की जैसे ही इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया जाएगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूवी का लिंक एड कर दूंगा इसके अलावा बात करें करके उन सभी लोगों की जो इस मूवी को ओ पे हाई डेफिनेशन में देखना चाहते हैं तो आप सभी को बता दू की अभी के समय यह मूवी आपको बिजनी हॉटस्टार प्लस पर देखने को मिल जाएगी आप वहाँ पे जाके इस मूवी का एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद